स्वागत है दोस्तों आप सभी का यसपी शुक्ला एजुकेट चैनल में। तो देखिए दोस्तों, ये है लूसेंट का पार्ट सिक्स। पार्ट सिक्स में हम बात करने वाले हैं आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए, इसके पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रशेखर राव जी यहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे। यानी इससे एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि तेलंगाना राज्य कौन से राज्य से काट के बनाया गया? तो आंध्र प्रदेश से जो है काट करके जून 2014 में तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। और इसमें टोटल कितने ज़िले हैं पूछा जा सकता है, तो इसमें 31 ज़िले हैं। प्रारंभ में 10 ज़िले थे, बाद में 21 ज़िले और जोड़े गए, तो अब मिला के टोटल कितने ज़िले हो गए हैं? 31 ज़िले, 31 डिस्ट्रिक्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? कनाडा की। किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? स्थलीय सीमा सबसे बड़ी चीन की है। म्यांमार बर्मा की मुद्रा क्या है? क्यात। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल में किस परत में होता है? क्षोभ मंडल में। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर संसार का सबसे बड़ा सागर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महानिष्क्रमण। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा चीन नेपाल और भूटान से मिलती है? तो सिक्किम राज्य की सीमा जो है चीन नेपाल और भूटान से मिलती है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में था? कनिष्क के। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? श्रीधरन। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 ईस्वी में। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच में हुआ? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? 3 मास तक। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती है। संगमरमर किसकी परिवर्तित रूप है? तो संगमरमर चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया? असहयोग आंदोलन। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। जिंद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? पारसी। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया? 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। H2O पानी का रासायनिक फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है। और हार्ड पानी जो होती है उसका D2O होता है, D2O। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? 3.5%। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 BC, बिफोर सेंचुरी। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? 2 साल 11 महीने 18 दिन में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से। इसके बाद है, संविधान कि किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? धारा 356। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहां स्थापित किया गया? तारापुर में। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1969 ईस्वी में। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब कहाँ और किसके शासनकाल में हुई? 483 BC, राजगृह अजात शत्रु के शासनकाल में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? अफ्रीका। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? 73वें। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में 80
86 सीटें हैं। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? 98 AD कुंडलवन कश्मीर कनिष्क के संरक्षण में हुई थी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? 23.5 यानी 23 सही 1/2 डिग्री। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21% ऑक्सीजन है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03। और इसके बाद है ब्रांड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में। 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? उत्तर प्रदेश और दक्षिण कोरिया। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनी। अष्टाध्यायी जो कि काफ़ी अच्छी पुस्तक है संस्कृत के लिए, उसके रचयिता लेखक जो हैं, लिखने वाले जो हैं, वो हैं महर्षि पाणिनी। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन से। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? 250 BC में, BC मतलब बिफोर सेंचुरी में, पाटिल पुत्र में, अशोक के शासन काल में। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? बौद्ध धर्म, पाली भाषा। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? दक्कन का पठार। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? कोंकण। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 324। बेलिसावें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सचिव वित्त मंत्रालय। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी होती है? 6 मास। ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? कालिदास की, महाकवि कालिदास की। इसके बाद है नेक्स्ट, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? 19%। जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? नैनीताल के पास, उत्तराखंड। बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन, ये शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांभर झील जिसका नमक बनता है किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। गुलाम वंश का शासक कौन था जो चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक। गीत गोविंद किसने लिखी? जयदेव ने। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों के बनवाए? चंदेल। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? 1336 ईस्वी में, हरिहर और बुक्का ने। घना पंछी विहार कहाँ स्थित है? भरतपुर, राजस्थान। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण, गुजरात में। मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? अडोल्फ हिटलर की। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? 1025 ईस्वी में। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा, असम। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक लिखी। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? 1398 ईस्वी में। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में। शेर शाह सूरी को कहां दफनाया गया? सासाराम, बिहार। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी पानी और ग्रेफाइट का। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। NCC की स्थापना किस वर्ष हुई? 1948 ईस्वी में। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सरोद। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग या गरसोप्पा, जो शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी आपको दिख रहा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, 385,000 किलोमीटर। अब ये समथिंग करके है, इसमें थोड़ा सा कहीं कहीं पे कई किताबों में कुछ अलग अलग होता है, थोड़ा बहुत 19-20 रहता है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। भारत में सोने की खान कहाँ है? कोलार, कर्नाटक में। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूची। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट
8 मिनट 18 सेकंड लेता है। कितना लेता है, इतना समय लग जाता है, लगभग 8 मिनट 18 सेकंड, समथिंग 18 सेकंड करके है। तो इसके बाद देखिए, पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किस लिए प्रसिद्ध हैं, हीरा के लिए। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है, मिस्र। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया, अटल बिहारी वाजपेयी ने। इसके बाद देखिए है, घाना देश का पुराना नाम क्या है, गोल्ड कोस्ट। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तबला से। अमेरिका की खोज किसने की, 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया, 1896 ईस्वी में। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। वायुयान की खोज किसने की, ओलिवर और विलिवर राइट बंधु ने। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। दक्षिणी अफ्रीका। सात पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है, रोम। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया, 22 मार्च 1957 को। रेडियम की खोज किसने की थी, पियरे और मैरी क्यूरे। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, 165 मीटर। किस ग्रह के चारों ओर वलय है, शनि। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है, भारतीय स्टेट बैंक। सफेद हाथियों का देश कौन सा है, थाईलैंड। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, ऑस्ट्रेलिया। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है, चिपको आंदोलन। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई, 23 मार्च 1931 को। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा, तेनजिंग नोरके, भारत। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड। इसके बाद है, पद्मावत की रचना किसने की थी, मलिक मोहम्मद जायसी ने। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था, बिस्मार्क ने। सजीवतन पुस्तक किसने लिखी, मुंशी प्रेमचंद ने। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है, सर सैयद अहमद खान से। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी, जहांगीर ने। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार कौन सा था, व्यापार का कौन सा राज्य था, पूछा जाएगा गोवा। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई, दिवाली। कादंबरी किसकी रचना है, बाण भट्ट की। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, अरुणाचल प्रदेश। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वाशिंगटन। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं, ब्राह्मी लिपि में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से है, हॉकी से। शुष्क सेल का संबंध अमोनियम क्लोराइड से। मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है, असम में। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है, भारत का। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे के क्वेश्चंस लेकर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।